हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्ले विद केमिस्ट्री। तो बच्चों, अब जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा है? 11.18। यहाँ देखो बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। फर्स्ट गिवन है कोल बेस रिएक्शन, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कोल बे रिएक्शन फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? कोल बेस रिएक्शन। बच्चों आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम फिनॉल लेंगे। इस फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल कैसा होता है बच्चों? एसिडिक। क्यों कह रहा हूँ मैं एसिडिक? क्योंकि यहाँ प्लस एम लग रहा है। यहाँ देखिए, एसिड किसे कहते हैं? दैट कंपाउंड विच गिव्स एच प्लस आयन इन टू वाटर इज कॉल्ड एसिड। तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर बच्चों लग रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लग रहा है बच्चों? प्लस एम, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? रिंग में। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी। ये हो गया एच और ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। यहाँ हो रहा है बच्चों रिपल्सन, यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन। देखिए कैसे हो रहा है रिपल्सन, एडजस्टेंट पोजीशन पे प्लस है, तो रिपल्सन से क्या होगा? एच प्लस फ्री हो जाएगा। तो ये कैसा है? एसिड। अब इस एसिड में बच्चों हम डाल देते हैं NOH, एक्वस NOH डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम फिनोऑक्साइड, ये बन गया सोडियम फिनोऑक्साइड। इट मीन्स यहाँ जो प्लस एम लग रहा था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? रिंग के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो गई और ज़्यादा फिनॉल के कंपेरिजन में सोडियम फिनोऑक्साइड में बच्चों इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा रिंग की ओर जाएंगे। यहाँ पर प्लस एम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन कराई जाएगी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की, और हम क्या कर देंगे इसका, यहाँ से Na+ को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे बच्चों। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा OH, ये हो जाएगा COOH और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन हो गई? सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई बच्चों। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑर्थो क्यों बना, पैरा वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? पैरा बनेगा तो, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट बनेगा, वो माइनर होगा। और ये कैसा है? ये मेजर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हो रही है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ भी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो प्रोडक्ट कैसा होगा? वो होगा मेजर बच्चों। ये देखिए OH, तो यहाँ क्या बन गया? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बच्चों। और जहाँ भी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा मेजर होगा। तो ये क्या कहलाएगा? कोल बे रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है रीमन टीमन रिएक्शन। चलिए इसे भी देखते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन को। सेकेंड है रीमन टीमन रिएक्शन बच्चों। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फिनॉल लेंगे, फिनॉल लेंगे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर एक्वस NOH प्लस क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए, ये होता है एसिड, ये लिया आपने बेस, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बन जाएगा बच्चों सोडियम फिनोऑक्साइड, और इसका भी अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl। देखिए ये, और यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से निकल गया H2O और निकल गया HCl, ये रिमूव हो जाएगा बच्चों। और ये क्या बन गया? देखिए सोडियम फिनोऑक्साइड। इसके बाद क्या करने वाले हैं?
इसके बाद यहाँ पे आप फर्दर NaOH की रिएक्शन कराएंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर OH निगेटिव अटैक करेगा और यहाँ पे करेगा, तो ये भी Cl बाहर, ये भी Cl बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, ये फॉर्मेशन हो जाएगी OH CHO की, और इसे कहते हैं सेल एल्डिहाइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड की। अब यहाँ समझिए बच्चों, यहाँ भी देखिए कौन सा बना, ध्यान दीजिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनाया आपने, ऑर्थो, और पैरा कैसा बनेगा, माइनर, तो यहाँ भी क्यों बना है ऑर्थो आपका मेजर, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी बच्चों इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बच्चों, तो ये देखिए क्या हो गया, ये इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए बच्चों। और जब भी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो, और पैरा मेजर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब बच्चों यहाँ पर इस वाले स्टेप को समझ लीजिए कि ये कैसे बना, इसे देखिए, इसे सबसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। सबसे पहले फिनॉल जो है NaOH से रिएक्शन करेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आ गया H2O और ये बन गया सोडियम फिनोऑक्साइड। इसके बाद देखो बच्चों, इसे हम लेंगे CHClCl और यहाँ से HCl को रिमूव कर लेंगे, ये देखिए यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड और ये बन गया CHClCl बच्चों, ये देखिए यहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद देखिए यहाँ से हम कहाँ आ गए, इस यहाँ पे देखिए इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब आइए यहाँ देखते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड और यहाँ क्या लेंगे, NaOH लिया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे NaOH और ये हो गया देखो बच्चों, ये हो गया CHClCl और यहाँ टू मॉलिक्यूल हम NaOH ले लेंगे, टू मॉलिक्यूल NaOH, तो यहाँ क्या होगा, ये निकल जाएगा आपका NaCl और ये निकल गया NaCl, टू NaCl तो रिमूव हो गए और यहाँ आ गया बच्चों सोडियम फिनोऑक्साइड और ये आ गया आपका CHOH। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर एक ही कार्बन पे दो H ग्रुप आ जाए तो वह कैसा होता है, अनस्टेबल। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों सोडियम फिनोऑक्साइड और CHO। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो सोडियम फिनोऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो NaOH और सेकंड में क्या कर देंगे, H+ SD का हाइड्रोलिसिस, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या जाएगा, OH सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए ये बना, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेप के बाद बच्चों ये बन गया हमारा ONa और ये आ गया CHO और इसके बाद बच्चों एसिटिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिटिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो OH और CHO आ जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन है। तो आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है, आपको सिर्फ बच्चों
यहाँ तक आपको एग्जाम में आपको जो रिएक्शन लिखनी है वो ये वाली रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखनी है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या क्या रीमन टीमन रिएक्शन। अब चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं विलियम्सन ईथर सिंथेसिस की। देखिए विलियम्सन ईथर सिंथेसिस को समझते हैं बच्चों। आइए इसके थर्ड पार्ट को समझते हैं। इसमें बच्चों हम लेते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड। तो यहाँ SN2 के थ्रू ये बन जाता है ईथर प्लस NaX बाहर हो जाता है। इसके कुछ कंडीशंस है बच्चों, अगर आप ईथर की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एल्किल हैलाइड सिर्फ 1 डिग्री लेना है और एल्कोक्साइड 1 डिग्री भी पॉसिबल है, सेकंड भी और थर्ड डिग्री कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड सिर्फ 1 डिग्री ही लेना है। अगर आपने सेकंड एंड थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड यूज किया बच्चों, सुन लीजिएगा ध्यान से, इफ़ यू आर यूजिंग सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड देन वी विल गेट एल्कीन इन प्लेस ऑफ ईथर। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आप एल्कीन की फॉर्मेशन कर देंगे, ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। कब? जब आप सेकंड और थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है कि कभी हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज नहीं करना है बच्चों। तो देखिए एक यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं हम लोग, CH3ONa प्लस CH3Cl SN2 के थ्रू क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OCH3 प्लस NaCl। और अगर आपने CH3ONa के साथ सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड लिया बच्चों, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ये फॉर्मेशन करेगा CH3OH NaCl की। ठीक है बच्चों, एक तो CH3OH, एक NaCl प्लस एक बन जाएगा आपका एल्कीन। देखिए ईथर की फॉर्मेशन ना होके क्या बन गया, क्या हो गया बच्चों, एल्कीन बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस क्राउडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। जब ज़्यादा स्पेस क्राउडिंग हो जाएगी तो SN2 फॉलोअप नहीं हो पाएगा। SN2 फॉलोअप होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पेस क्राउडिंग होनी चाहिए। तो जब आप सेकंड और थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, मैक्सिमम स्पेस क्राउडिंग हो जाती है और फिर आपका एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा विलियम्सन ईथर सिंथेसिस में ईथर की फॉर्मेशन के लिए ओनली यूज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट बच्चों यहाँ गिवन है अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाएं, देखिए ये देखते हैं हम सबसे पहले सिमेट्रिकल ईथर और यहाँ देखते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर बच्चों। तो आइए देखते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बच्चों ये देखिए, अगर O के लेफ्ट और राइट में सेम एल्किल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल, लेफ्ट और राइट में डिफरेंट एल्किल ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल। देखिए O के लेफ्ट और राइट में डिफरेंट एल्किल ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर सेम है तो सिमेट्रिकल। हमें क्या करना है बच्चों, अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन करनी है। तो आइए फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ लेते हैं CH3ONa प्लस 1 डिग्री वाला क्या ले लें, एल्किल हैलाइड। ये देखिए तो ये SN2 के थ्रू ये हो गया आपका, ये हुआ निगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव,
ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ निगेटिव, बैक साइड अटैक होगा, Cl बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3O CH2CH3 प्लस NaCl, और इसे हम CH3CH2ONa ले लें, और यहाँ ले सकते हैं बच्चों CH3Cl। ये देखिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये बैक साइड अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। तो ये देखिए ये क्या बन गया, CH3OCH2CH3 प्लस NaCl। तो ये हमने कैसे बना दिया बच्चों, अनसिमेट्रिकल ईथर देख लीजिए, O के लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप है दोनों में, देख लीजिए। तो ये किसकी फॉर्मेशन कर दिया हमने, अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन कर दी बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।